जैन साथियों, श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अनवर सिंधु आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हमारी मेडिकल हिस्ट्री की क्लास 4th है और इसमें हम जो तुगलक डायनेस्टी का पार्ट बचा हुआ था, जो फिरोज शाह तुगलक से बिलोंग करता है, उसको पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 88 तक, 1388 तक इसने रूल किया। ही वॉज द कजन ऑफ एमबीटी, ये मोहम्मद बिन तुगलक का कजन था। आफ्टर हिज डेथ द नोबल्स एंड थियोलॉजिशियंस ऑफ द कोर्ट सिलेक्टेड फिरोज शाह एज द नेक्स्ट सुल्तान। एमबीटी की मृत्यु के बाद जो नोबल्स हैं और थियोलॉजिशियंस हैं, उन्होंने इसको क्या किया, नेक्स्ट सुल्तान बना दिया। फिरोज शाह तुगलक ऐसा आदमी था जिसका 2 बार कोरोनेशन हुआ था। कोरोनेशन का मतलब होता है राज्याभिषेक, जिसका 2 बार कोरोनेशन हुआ था। एक तो इसका सिंध में हुआ था, जहाँ पर ये सिंध के अंदर थट्टा नामक जगह के ऊपर जो तागिन का रिवेलियस ऑफिसर था एक, उसे युद्ध लड़ रहे थे उस जगह पे। दूसरा इनका फिर दिल्ली की जो गद्दी पे बैठा के वहाँ पर किया गया। तो इनका 2 बार कोरोनेशन हुआ है, तो अकेला ऐसा आदमी था जिसका 2 बार कोरोनेशन हुआ दिल्ली सल्तनत के अंदर। और ऐसा ही सेम आदमी मुगल एम्पायर के अंदर भी था जिसका 2 बार कोरोनेशन हुआ था, वो था अकबर। आफ्टर हिज एक्सेशन फिरोज शाह तुगलक वॉज फेस्ड विद द प्रॉब्लम प्रिवेंटिंग द इमिनेंट ब्रेकअप ऑफ दिल्ली सल्तनत। जैसे ही फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा होता है कि वो दिल्ली सल्तनत टूटने ही वाली थी। दिल्ली सल्तनत के ऊपर टूटने का खतरा मंडरा रहा था कि उस प्रॉब्लम से वो कैसे टैकल करे। ही अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ ट्राइंग टू अपीज नोबिलिटी, उसने ऐसी पॉलिसी अपनाई कि जिससे वो हर किसी को खुश करना चाह रहा था। एवरी सोसाइटी ऑफ सेक्शन को वो खुश करना चाह रहा था। उसने नोबिलिटी को खुश करने की कोशिश की, आर्मी को खुश करने की कोशिश की, थियोलॉजिशियन से उनको खुश करने की कोशिश की, एंड ऑफ असर्टिंग हिज अथॉरिटी ओनली ओवर सच एरिया। और उसने अपनी अथॉरिटी सिर्फ उसी जगह के ऊपर जताई जिसको वो आसानी से एडमिनिस्टर्ड कर सकता था सेंटर से, जिस एरिया को वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ के आसानी से एडमिनिस्टर्ड कर सकता था, उसी एरिया के ऊपर इसने अपना हुकूमत जताई। उसके अलावा इसने दूसरी किसी जगह के ऊपर राज करने की नहीं सोची। ही देयरफॉर मेड नो अटेम्प्ट टू री असर्ट हिज अथॉरिटी ओवर साउथ इंडिया, इसलिए उसने साउथ इंडिया के ऊपर अपनी अथॉरिटी को रीअसर्ट करने की कोशिश नहीं की, और डेक्कन के ऊपर भी इसने नहीं की। तो डेक्कन के ऊपर 2 एम्पायर, जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके टाइम पे 2 एम्पायर बन चुके थे। एक विजयनगर था, विजयनगर एम्पायर, और एक बहमनी किंगडम। तो ये डेक्कन के अंदर रूल कर रहे थे ये दो, तो इनके ऊपर कभी भी इसने अथॉरिटी अपनी नहीं जताई। अच्छा, इसने नोबिलिटी, आर्मी, थियोलॉजिशन को खुश करने के लिए क्या क्या किया, वो सारा हम आगे पढ़ेंगे। ही डिक्रीड, उसने क्या घोषणा की, दैट वेन एवर ए नोबल डाइड, कि जब भी एक नोबल मरता है, ये क्या सिस्टम चल रहा था बलबन के टाइम पे, क्या चल रहा था कि अगर कोई नोबल है उसको कोई जमीन वगैरह या किसी भी तरह का कोई विशेष अधिकार राज्य के द्वारा दिया गया है, और उसके बाद उसकी औलाद अगर सर्विस नहीं कर रही होती है स्टेट के अंडर में, राज्य के तहत, तो उससे वो अधिकार छीन लिया जाता था। लेकिन इसने क्या कर दिया, इसने वो चीज़ मैंडेटरी कर दी, सॉरी मैंडेटरी क्या, हेरिडेटरी कर दी, मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरी को मिलेगा, दूसरे के बाद तीसरी को मिलेगा, ऐसे चलता रहेगा। वेन एवर ए नोबल डाइड हिज सन शुड बी अलाउड टू सक्सीड टू हिज पोजिशन, जब भी किसी नोबल की डेथ हो जाती कि उसकी जगह पर उसका बेटा उसकी जगह ले सकता था, इंक्लूडिंग हिज इक्ता, उसकी इक्ता के साथ, जो इक्ता सिस्टम था, उस वो जमीन जो थी वो उसके बेटे के पास चली जाती थी। अगर उसके कोई बेटा नहीं है तो उसका दामाद वो जगह ले सकता था, अगर उसका दामाद भी नहीं है तो उसकी अब्सेंस में उसके द्वारा अगर कोई गुलाम, उसका कोई गुलाम है या कोई गुलाम रखा हुआ, तो वो सक्सीड कर सकता था। तो कहने का मतलब है कि जो एकता सिस्टम था हमारा, उसको इसने हेरिडिटरी कर दिया था। फिरोज एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी टू द आर्मी, इसने हेरिडिटरी का जो प्रिंसिपल है उसको एक्सटेंड आर्मी तक भी एक्सटेंड कर दिया। सोल्जर्स वर अलाउड टू रेस्ट इन पीस एंड टू सेंड इन देयर प्लेस देयर सन्स, सिपाहियों को आज़ादी दी गई कि वो आराम कर सकते हैं, शांति से बैठ सकते हैं, और अपनी जगह पे उनके जो औलाद है उनको भेज सकते हैं। द सोल्जर्स वर नॉट पेड इन कैश,
और सोल्जर्स को क्या नहीं दिया जाता था, कैश में पे करना इसने बंद कर दिया था, बट बाई असाइनमेंट ऑन लैंड रेवेन्यू ऑफ विलेज। और उनको क्या बड़े बड़े गांव दे दिए जाते थे, और उससे जो लैंड रेवेन्यू मिलता था वो उनकी सैलरी के रूप में कंसिडर किया जाता था। दिस नॉवल टेक्निक ऑफ पेमेंट लीड टू मैनी अब्यूज, इससे उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा और काफ़ी कुरीतियों को इसने जन्म दिया इस सिस्टम ने, क्योंकि हर कोई बड़े से बड़ा गांव चाह रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा गांव चाह रहा था, ताकि उसका लैंड रिवेन्यू उसको ज़्यादा मिले और उसको ज़्यादा पेमेंट मिले। एवरीबॉडी वांटेड ए लार्ज विलेज और मोर नंबर ऑफ विलेज। Under each control. तो ये एक तरह से क्या सिस्टम हो गया कि उसने कैश जो पेमेंट है वो इसने क्या कर दिया, अबोलिश कर दिया। तो इसने क्या सिस्टम किया, इसने रीइंट्रोड्यूस कर दिया इसने जागीरदारी सिस्टम को। जागीरदारी सिस्टम का मतलब ये होता था, उसमें एक फिक्स लैंड दे दी जाती थी और उस जागीर के हिसाब से उस आदमी को कहा जाता था कि आप इतने सैनिक रखेंगे, इतने घोड़े रखेंगे, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी उस जागीर के हिसाब से वो उसको बता दी जाती थी, उसके तहत उसको काम करना पड़ता था। और जब भी सुल्तान को किसी भी टाइम पे, युद्ध के टाइम पे या किसी भी टाइम पे जब भी उसकी मदद की जरूरत होती थी, वो अपनी मदद उसको देता था। आर्मी की जब भी सर्विस की जरूरत होती थी वो सर्विस देती थी उसकी आर्मी। तो ऐसे सिस्टम को बोलते थे जागीर सिस्टम। तो इसने दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया, और जागीरदार सिस्टम था जो, ये अबोलिश किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अबोलिस्ट बाई अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि इसने क्या कर दिया था, जागीरदारी सिस्टम को बंद करके कैश पेमेंट देना शुरू कर दिया था, और सोल्जर्स को कैश पेमेंट देता था ये। लेकिन इसने दोबारा से कैश पेमेंट की जगह जागीरदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। ही ट्राई टू विन ओवर थियोलॉजिशियंस प्रोक्लेमिंग दैट ही वॉज ए ट्रू मुस्लिम किंग। वो जो जो धर्म के गुरु थे, थियोलॉजिशियंस थे, उनको कन्विंस करने की कोशिश करता था कि वो एक सच्चा मुसलमान है। क्यों? क्योंकि इस पे ऊपर एक इसकी जो माता थी वो हिंदू थी, तो हर कोई इसको ऐसे कहता था कि ये तो हिंदू की औलाद है, इसकी बेइज्जती की जाती इस बात से। और ये हर एक कदम पे इसको टेस्ट देना पड़ता था, नहीं मैं कट्टर मुसलमान हूँ, मैं कट्टर मुसलमान हूँ, हर कदम पे इसको टेस्ट देना पड़ता था। तो उस जो इनके थियोलॉजिशियंस थे, जो धर्म के गुरु थे उस टाइम पे, उनको उनको खुश करने के लिए इसने काफी कुछ किया। एंड स्टेट अंडर हिम वाज ट्रूली इस्लामिक, और जो कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूं और मेरे जो नीचे जो स्टेट है जिसके ऊपर मैं रूल कर रहा हूं वो पूरी तरह से इस्लामिक देश है। इन ऑर्डर टू कीप द थियोलॉजिशियन सेटिस्फाई ए नंबर ऑफ देम वर अपॉइंटेड टू हाई ऑफिसेज। उन थियोलॉजिशियंस को खुश करने के लिए इसने उनमें से बहुत ज़्यादा लोगों को इसने क्या किया, बहुत हाई ऑफिसेज के ऊपर, बहुत अच्छे अच्छे पदों पर उसने अपॉइंट कर दिया, ताकि वो खुश हो जाए और इस उसके बारे में इस तरह की कोई बात ना की जाए कि वो एक सच्चा मुसलमान नहीं है। ही ट्राई टू बैन प्रैक्टिसज विद विच द ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजिशियन कंसिडर एज नॉन इस्लामिक। जो थियोलॉजिशियन समझते थे कि ये नॉन इस्लामिक प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस मतलब इस्लाम की नहीं है, तो उस प्रैक्टिस को बैन करने की इसने कोशिश की। दस ही प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम वुमेन गोइंग आउट टू वर्शिप एट ग्रेव्स ऑफ संत। जो संत होते थे, जो सूफी संत वगैरह थे, उनकी जो दरगाह वगैरह होती थी उनके ऊपर पूजा करने के लिए जो औरतें, मुस्लिम औरतें जाती थी, उन उसको इसने क्या कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि ये नॉन इस्लामिक एक्टिविटी मानी जाती थी। इट वॉज ड्यूरिंग हिज टाइम दैट जजिया बिकेम ए सेपरेट टैक्स। ये उसके टाइम पे था जिसमें जिसमें इसने जजिया को एक सेपरेट टैक्स की तरह डिक्लेयर किया कि ये एक अलग से एक टैक्स है। जजिया टैक्स पहले भी चलता आ रहा था, लेकिन इसने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो बिल्कुल एक नए, जैसे जमीन के ऊपर जो टैक्स लिया जाता था उसकी तरह एक नया टैक्स की तरह उभर के आया। ही रेफ्यूज टू एग्जेम्प्ट ब्राह्मण्स फ्रॉम पेमेंट ऑफ जजिया। और ये जो जजिया टैक्स था, ये ब्राह्मणों के ऊपर, विडो के ऊपर, ओल्ड एज जो थे उनके ऊपर नहीं लगता था, लेकिन इसने ब्राह्मणों को भी नहीं बख्शा अपना ये सबूत देने के लिए कि मैं कट्टर मुसलमान हूँ, मेरा हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मेरे मन में किसी भी तरह की कोई वो उनके प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है। सिंस दिस वॉज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन शरीयत, जबकि शरीयत जो इनका मुस्लिम लॉ है उसके तहत ये
कंपलसरी नहीं था, उसके बाद भी इसने ब्राह्मणों के ऊपर लगाया। स्टार्टिंग में तो इसने विडो और ओल्ड एज के ऊपर भी लगा दिया था, जो विधवा थी और बूढ़े लोग थे उनके ऊपर भी जजिया टैक्स लगा दिया था, लेकिन बाद में किसी के समझाने से इसने बाद में इसको हटाया, लेकिन ब्राह्मणों के ऊपर इसने लगा के रखा। द न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन वॉज अकॉर्डिंग टू कुरान, जो नया सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया टैक्सेशन का वो किसके अकॉर्डिंग था, कुरान के अकॉर्डिंग था। फोर काइंड ऑफ टैक्सेज सेंक्शन बाई द कुरान वर इम्पोज, जो फोर जो चार प्रकार के टैक्स है जो कुरान के द्वारा सेंक्शन किए गए, जिसकी अनुमति है, जिसकी मान्यता है, उसने क्या किया, उसको इम्पोज किया। दीज टैक्सेज आर खराज, जकात, जजिया एंड खूम। ये टैक्स हैं खराज, जकात, जजिया और खूम, ये चार तरह के टैक्स थे जो इसने इंट्रोड्यूस किए। इसके टाइम पे टोटल 33 टैक्सेज थे और इसने 33 टैक्सेज को अबोलिश करके सिर्फ चार टैक्सेज रख दिए, बस इसने 29 टैक्सेज को क्या कर दिया, अबोलिश कर दिया। अब ये खराज क्या था, जजिया क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। अच्छा, एक इन ऑर्डर टू एनकरेज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को एनकरेज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, सुल्तान पेड ए लॉट ऑफ अटेंशन, सुल्तान ने एक लॉट ऑफ अटेंशन दी किसको, इरिगेशन को। और इसके लिए ये क्या करता, नंबर ऑफ कनाल्स को रिपेयर भी कराता, और सबसे ज्यादा कनाल्स जो बनाई गई फिरोजशाह तुगलक के द्वारा बनाई गई थी। एंड इम्पोज हक ए सरब, एक वाटर टैक्स, ये वाटर टैक्स नहीं, इरीगेशन टैक्स होता था ये, जो जो भी जिस खेत के अंदर से राज्य के द्वारा नहरों के द्वारा पानी प्रोवाइड किया जाता था उस उनको देना पड़ता था, ये इरिगेशन टैक्स या वाटर टैक्स के रूप में, हरक ए सरब। इसके अलावा जो चार टैक्सेस थे उसके ऊपर बात करते हैं एक एक करके। अच्छा, सबसे पहला जो टैक्स था ये था खराज, ये था मेन लैंड रिवेन्यू था, जिसकी हम स्टार्टिंग से ही बात करते आ रहे हैं। जो मेन रिवेन्यू होता था, जो जमीन के ऊपर जो प्रोड्यूस होती थी उससे लिया जाता था, ये इसके टाइम पे लगभग 1/10 था, 1/10 ऑफ प्रोड्यूस, जितना भी उत्पादन होता है उसका 1/10 उस लैंड रिवेन्यू के रूप में राज्य सरकार के पास जाता था। इसके अलावा दूसरा टैक्स था जकात, जो जकात टैक्स था ये एक तरह से रिलीजियस टैक्स था, धर्म को बढ़ावा देने के लिए लिया जाता था, और ये किससे लिया जाता था, ये नो ये मुस्लिम से लिया जाता था, फ्रॉम मुस्लिम ओनली, ये मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग थे वो देते थे इसको, रिलीजियस टैक्स, एक तरह से रिलीजियस टैक्स था। और इसके अंदर जितना भी टैक्स का पैसा इकट्ठा होता था वो सारा का सारा धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के लिए कोई कंस्ट्रक्शन करनी है या किसी भी तरह के धर्म से जुड़ी एक्टिविटी के लिए इसका यूज किया जाता है, इसको जो स्टेट के द्वारा अपने किसी और अन्य किसी काम के अंदर नहीं लिया जाता, ये सिर्फ उसी चीज को बढ़ावा देने के लिए यूज होता था। जैसे आज के टाइम पे जो दान वगैरह, जैसे जगरातों के लिए या किसी मंदिर बन रहा है उसके लिए हम दान देते हैं, तो वो पर्टिकुलर उसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए और स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज होता है, ये टोटल होता है 2.5% ऑफ नेट इनकम। जो किसी भी आदमी की जो नेट इनकम होती थी उसका 2.5% उससे जकात के रूप में लिया जाता था मुस्लिम से। और जो ये जैसे अभी के जैसे कई बार आदमी कहता है कि अपनी जो जितना भी आदमी अर्न करता है, जितना भी कमाता है, उसका कुछ हिस्सा अलग से दान के लिए निकालना चाहिए, वो उसी तरह का ये टैक्स था। जैसे सिख धर्म के अंदर कहा जाता है कि 10% दशा, क्योंकि 10% अपने उसका क्या करना चाहिए, हमेशा आदमी को डोनेट करना चाहिए अपनी इनकम का 10%। जजिया ये हमेशा नॉन मुस्लिमों से लिया जाता था, ये एक तरह से प्रोटेक्शन टैक्स था। इसमें ये कहा जो प्रजा थी वो हिंदू थी और उनको रूल करने वाले मुस्लिम थे, और वो कहते थे कि हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एज ए स्टेट के रूप में, एक एंटिटी के रूप में हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है, इस बात के लिए आप हमें टैक्स दोगे, तो उस टैक्स को बोलते थे जजिया टैक्स, ये प्रोटेक्शन टैक्स था। और ये सभी से लिया जाता था, और लेकिन ये ब्राह्मणों के ऊपर लगाने वाला पहला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसने ब्राह्मणों के ऊपर भी ये लगा दिया।
और फोर्थ जो टैक्स था उसको बोलते थे खुम्स। ये एक तरह का बूटी टैक्स था। बूटी होता है जो लूट का माल होता है, लूटने का टैक्स होता है, लूट का बूटी टैक्स उसको बोलते हैं बूटी टैक्स। ये क्या होता था, जब जब भी सेना के द्वारा किसी भी स्टेट के ऊपर या किसी भी राजा के ऊपर अटैक किया जाता था, तो वहाँ की जो प्रजा थी उसको हरा के वहाँ की जो प्रजा थी उसको लूटा जाता था, राजा के जो खजाना था उसको लूटा जाता था। तो जितना भी लूट का माल मिलता था उसको राजा और सैनिकों के बीच बांटा जाता था, उस टैक्स को बोलते थे खूम टैक्स या बूटी टैक्स। ये इसका 80% रूलर के पास जाता था जो राजा है, और 20% लूटे हुए माल का 20% सोल्जर्स को मिलता था। ये सिस्टम था अलाउद्दीन के टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। लेकिन इसने आर्मी को खुश करने की कोशिश की, हर एक तबके को इसने खुश करने की कोशिश की, तो इसने क्या किया, ये सिस्टम को उल्टा कर दिया। अब इसने कहा कि जितना भी लूटा हुआ माल होगा उसका 20% रूलर के पास जाएगा और 80% सोल्जर्स के पास जाएगा। ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया फिरोज शाह तुगलक ने, और जैसे इसने ये इंट्रोड्यूस किया इसके जो सोल्जर्स थे उनके अंदर ताकत लगभग 4 गुना हो गई थी, क्योंकि उनको लगता था कि जितना भी आप लूट पाएंगे, जितना भी लूटपाट आप मचाएंगे, जितना भी सामने वाले की सेना को आप बुरी तरीके से परास्त करेंगे, उतना ही आपको लूटने को मिलेगा। तो जो इसके सिपाही थे उसके अंदर जोश बहुत होता था, फिर उस जोश बढ़ गया था, क्योंकि पहले के टाइम पे 1/5 मिलने लगा, अब 4/5 मिलेगा, अब 80% इनको मिलता था। तो इसके जो सैनिक थे एक तरह से खूंखार हो गए थे, और पूरा इतना मतलब आम जो पब्लिक होती थी किसी भी स्टेट को पराक्रमण करते उससे उस पब्लिक के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। तो ये 4 टैक्स थे जो इसने बाकी टैक्सों को खत्म करके ये इंट्रोड्यूस कर दिए थे। इसके अलावा एक इरीगेशन टैक्स इसने अलग से लिया, और कनाल्स में मैक्सिमम नंबर सबसे ज्यादा जो कनाल्स बनाई गई वो इसी के द्वारा बनाई गई, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे ही सबसे ज्यादा कनाल्स बनी है। ही वॉज ए ग्रेट बिल्डर, ये एक ग्रेट बिल्डर भी था। द सिटी ऑफ फतेहाबाद, इसने बहुत शहर बसाए हैं, ये कई बार पूछा जाता है। फतेहाबाद की स्थापना इसने की, शहर की हिसार की स्थापना इसने की, ये दोनों हरियाणा के अंदर पड़ते हैं, फतेहाबाद और हिसार। जौनपुर की शहर को बसाया, जौनपुर जो था ये इन द मेमोरी ऑफ MBT, ये मैम MBT के याद में इसने बसाया था, क्योंकि MBT का क्या नाम था, जोना खान, जोना खान, उसके नाम पे जौनपुर इसने बसाया। एंड फिरोजाबाद स्टैंड टू हिज क्रेडिट, ये 4 शहर इसने बसाए थे। द 2 पिलर ऑफ अशोका, अशोका के 2 पिलर, वन फ्रॉम टोपारा, हरियाणा के अंदर टोपारा जगह, वहाँ से यमुनानगर के पास पड़ती है टोपारा वहाँ से, एंड अदर फ्रॉम मेरठ, यूपी के अंदर पड़ती है मेरठ वहाँ से, ये लाके इसने कहाँ स्थापित किया उसको, दिल्ली स्थापित किए। अशोका के 2 पिलर, एक टोपारा से और एक मेरठ से, लाके इसने दिल्ली स्थापित की। द सुल्तान इस्टेब्लिश एट दिल्ली ए हॉस्पिटल डिस्क्राइब एज दारुल शिफा, एक इसने सरकारी हॉस्पिटल की स्थापना की जिसके अंदर फ्री इलाज किया जाता था दिल्ली के अंदर, जिसको बोलते हैं दारुल शिफा, मतलब एक तरह से चैरिटेबल हॉस्पिटल था। ए न्यू डिपार्टमेंट दीवान ए खरात वाज सेटअप टू मेक प्रोविजंस फॉर मैरिज ऑफ पुअर गर्ल, गरीब लड़कियों की शादी के लिए प्रोविजंस बनाने के लिए एक इसने नए डिपार्टमेंट की स्थापना की जिसको बोलते हैं दीवान ए खरात। दीवान ए खरात सिर्फ शादी के लिए नहीं था, और भी काफी कामों के लिए था, ये एक तरह से चैरिटी ब्यूरो था, चैरिटी ब्यूरो। और डोनेशन वगैरह देने का काम भी इसी डिपार्टमेंट का था, इस डिपार्टमेंट के डोनेशन दिए जाते थे। मैरिज ब्यूरो का काम किया इसने, और पुअर फैमिली, लेकिन इसने शादी वगैरह करने का काम तो इसने मदद की जाती थी, लेकिन इसने अपने राज्य के अंदर कभी भी डोवरी को खत्म करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसने डोवरी को बढ़ाया है। करप्शन इसके टाइम पे बहुत ज्यादा करप्शन था, करप्शन को इसने खूब बढ़ावा दिया, किसी भी तरह की कोई कोशिश नहीं की इसके द्वारा रोकने की, बजाय कि रूलर के द्वारा करप्शन और डोवरी जैसी सिस्टमों को बढ़ावा दिया गया, ताकि हर तबका कर्मचारी व्यापारी सारे के सारे इससे खुश रहे। इसने हर एक काम किया जिससे किसी भी सेक्शन को अगर कुछ इसकी तरफ से कोई फायदा हो सकता है, वो इसने सारे काम किए।
इसी ब्यूरो के द्वारा, दीवान खैरत के द्वारा वेलफेयर एंड पब्लिक वर्क का काम किया जाता था, जो भी भलाई के कार्य होते थे सारे सारे इसी ब्यूरो के द्वारा किए जाते थे। इसने एक नया डिपार्टमेंट भी स्थापित किया था जिसको बोलते हैं दीवान ए ईसा, दीवान ए इस तक। ये पेंशन डिपार्टमेंट होता था जो आज के टाइम पे सरकार जो काम कर रही है वो इसने इतने साल पहले कर दिया था, पेंशन डिपार्टमेंट, जिसके तहत ये विडो और ओल्ड एज को पेंशन देता था। ओल्ड एज को पेंशन देता। अनदर स्टेप विच फिरोज टुक वाज बोथ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन नेचर। जो और स्टेप इसने जो उठाए वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली उठाए गए थे। ही ऑर्डर हिज ऑफिशियल्स दैट व्हेन एवर दे अटैक ए प्लेस, जब भी वे किसी स्थान के ऊपर अटैक करते हैं, दे शुड सिलेक्ट हैंडसम एंड वेल बोर्न यंग बॉयज, उसको वो उन्होंने क्या करना, जो अटैक करते और नौजवान हैं उनको क्या करेंगे, वो गिरफ्तार करेंगे एंड सेंड देम टू सुल्तान एज स्लेव, और उसको वो सुल्तान के पास भेज देंगे एज ए स्लेव, गुलाम की तरह। इसने एक नया डिपार्टमेंट स्थापित किया था जिसको बोलता था दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान, ये स्लेव डिपार्टमेंट था जिसके तहत ये जो स्लेव थे कि ये कहाँ से लिए जाते थे, जब जिस भी एरिया के ऊपर ये अटैक करते थे, जिस भी राजा को हराते थे, उस एरिया के उस राज्य के नौजवानों को ये उठा लेते थे वहाँ से और उनको गुलाम की तरह गिरफ्तार करके और उनको गुलाम बना जाता था, और उनमें से जो गुलाम पढ़ा लिखा होता था उनसे ये सरकारी जो काम काज है वो करवा जाते थे, और जो अनपढ़ होता था इलिटरेट से उससे ये क्या करते थे, कैनाल्स वगैरह खुदवाते थे, क्योंकि इसके टाइम पर नहरें बहुत बनाई गई हैं और नहरें बनवाते थे उनसे। जो इलिटरेट होता था उससे वो डक कैनाल्स कैनाल्स खुदवाते थे, और जो लिटरेट होता था उसे ऑफिशियल्स वर्क करवाते थे। और सबसे ज्यादा संख्या अगर पूछी जाए, सबसे ज्यादा स्लेव किसके राज में थे, तो इसी के टाइम पे थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लेव फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे थे, लगभग बताते हैं कि 1,60,000 के आसपास इसके राज्य के अंदर गुलाम थे। हावेवर हिज रूल वॉज मार्क बाई पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, हालांकि उसका जो रूल था वो शांति के लिए, और ट्रैंक्विलिटी भी शांति होता है, शांति के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसने हर किसी को खुश कर दिया था, हर तबके को खुश कर दिया था, तो किसी इसके टाइम पे किसी तरह का कोई रिवोल्ट करी किया ही नहीं जा रहा था किसी के द्वारा भी। द क्रेडिट फॉर इट गोज टू हिज प्राइम मिनिस्टर खान ए जहान मकबूल, और इसके लिए जो श्रेय जाता है इसका जो प्राइम मिनिस्टर था उसके को जाता है खान ए जहान मकबूल के द्वारा। ही डाइड इन 1388, ये 1388 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक के बाद जो आते हैं, तुगलक डायनेस्टी कुड नॉट सर्वाइव मच आफ्टर फिरोज शाह डेथ, फिरोज शाह की डेथ के बाद जो तुगलक डायनेस्टी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाई। द मालवा गुजरात एंड सरकी किंगडम ब्रोक अवे फ्रॉम सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत थी उससे मालवा का रीजन अलग हो गया था, गुजरात का रीजन अलग हो गया था, सरकी जौनपुर का रीजन अलग हो गया था, डेक्कन रीजन था वो पहले से ही अलग हो ही चुका था, अब दिल्ली बिल्कुल छोटे से जगह के अंदर सिमट गया था दिल्ली सल्तनत का काल। उसके बाद जो कमी थोड़ी बहुत ही होती है वो ये पूरी कर देता, तैमूर इसके ऊपर अटैक कर देता, तैमूर मंगोल था उस जो अटैक करने वाला था, तैमूर, तैमूर द लेम, ए तुर्किश चीफ एंड क्रूल कंक्वर फ्रॉम मंगोलिया एंड डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान, और जो चंगेज खान के वंशज था वो क्या करता है इंडिया के ऊपर अटैक कर देता है 1398 के अंदर ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद शाह तुगलक, मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पे, फिरोज शाह तुगलक के बाद बनता है मोहम्मद शाह तुगलक, उसके टाइम पे ये अटैक करता है। द लास्ट रूलर तुगलक डायनेस्टी, जो तुगलक डायनेस्टी का आखिरी शासक था, द तैमूर आर्मी मर्सीलेसली सैक्ड एंड प्लंडर दिल्ली, वो बुरी तरीके से दिल्ली को क्या करते हैं, लूटते हैं, उसकी आर्मी के द्वारा दिल्ली को बुरी तरीके से लूटा जाता है, राज परिवार को भी लूटा जाता है, सिपाहियों को भी लूटा जाता है, कर्मचारियों को भी लूटा जाता है, उसके साथ साथ प्रजा को भी लूटा जाता है। तैमूर रिटर्न टू सेंट्रल एशिया लिविंग ए नॉमिनी नेम्ड खिजर खान,
और तैमूर सेंट्रल एशिया की तरफ वापस लौट जाता है एक अपना एक नॉमिनी को छोड़ के, जिसका नाम था खिजर खान, टू रूल टू पंजाब, ताकि पंजाब के ऊपर वो रूल कर सके। इन 1404 ही डाइड वाइल ऑन हिज वे टू कनकर चाइना। जब वो चाइना को जीतने के लिए जा रहा होता है तब उसकी 1404 के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, तैमूर की, तैमूर द लेम की। तो उस टाइम पे मोहम्मद सातोगलक जो आखिरी रूलर था उसके टाइम पे ये अटैक करता है, और सारी की सारी जो पावर होती है वो खिजर खान के द्वारा दी जाती है। ये पंजाब के ऊपर इसको छोड़ के नहीं जाता, एक्चुअल में ये पंजाब के ऊपर पहले से ही रूल कर रहा होता है खिजर खान। और जब जैसे तैमूर द लंग आता है उसको ये दिल्ली की तरफ आगे की तरफ मोड़ देता है, पंजाब से इसका स्वागत किया जाता है बहुत अच्छे ढंग से, और वापस इसको दिल्ली की तरफ अपनी सेना के इसके द्वारा भी इससे मदद की जाती है, कुछ अपने सिपाही भी देता है इसको और बोलता है कि दिल्ली के ऊपर आप चढ़ाई करिए, और जाते हुए फिर ये इसको तोहफे के रूप में कह देता है कि दिल्ली के ऊपर अब तुम्हारी हुकूमत चलेगी, मोहम्मद तुम्हारा गुलाम की तरह काम करेगा। और जितनी भी पावर थी दिल्ली सल्तनत की सारी सारी इसके पास चली गई थी फिर। मोहम्मद शाह की जितनी पावर थी सारी सारी इसके द्वारा एक्सरसाइज की जाती थी, और जो खिजर खान था फिर ये सैयद डायनेस्टी यहाँ स्थापित कर देता है, और सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451 तक सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड इसी डायनेस्टी का रहा है, सैयद डायनेस्टी का। और इसका फाउंडर है खिजर खान, 1414 से 1421 तक ये रूल करता है। तैमूर नॉमनी कैप्चर दिल्ली, ये दिल्ली को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, क्योंकि पहले ये इनडायरेक्टली रूल कर ही रहा दिल्ली के ऊपर, फिर इसको लगा कि इनडायरेक्टली बहुत हो गया अब डायरेक्टली रूल करता हूँ, तो ये दिल्ली के की गद्दी पर आगे बैठ जाता है। एंड प्रोक्लेम्ड द न्यू सुल्तान, और अपने आप को नया सुल्तान डिक्लेयर कर देता है। ही वॉज द फर्स्ट ऑफ सैयद डायनेस्टी हु रूल्ड ओवर दिल्ली एंड सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट, जिसने दिल्ली और उसके आसपास के एरिया के ऊपर रूल किया था। जिस अब ये जो खिजर खान था ये अपने आप को क्या कहता था, कॉल्ड हिमसेल्फ रायत ए अल्लाह, ये अपने आप को सुल्तान ना कह के रायत ए अल्लाह बोलता था। इसका मतलब था कि मैं सभी में सभी सारे के सारे इक्वल हैं, ले बस मैं इन सभी में से क्या हूँ, सीनियर हूँ, सीनियर अमंग ऑल, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, मतलब जो बाकी भी तो मिनिस्टर्स होते हैं, बस उन सारे मिनिस्टरों के अंदर एक क्या होता है, प्राइम हो जाता है बस, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोल देते हैं। ये अपने आप को ऐसे ही बोलता था, और इसने जो भी रूल किया ये किससे किया, ये हमेशा अपने तैमूर के आशीर्वाद से रूल किया, ये उनको कन्विंस करने की हर एक एक्टिविटी होती थी ताकि उसको वो कन्विंस कर पाए। इसने अपने सिक्कों के ऊपर भी लिखा डेप्यूटी ऑफ शाहरुख, डेप्यूटी ऑफ शाहरुख, इसने अपने आप को शाहरुख लिखा। शाहरुख कौन था, ये तैमूर का बेटा था, सन ऑफ तैमूर। और इसने खुतबा जो पढ़ा वो भी उन्हीं के नाम से पढ़ा था, इन द नेम ऑफ तैमूर, तैमूर के नाम का खुतबा पढ़ा था इसने, अपनी लीगालिटी को बढ़ाने के लिए। इसके बाद मुबारक शाह रूल करता है, ही सक्सेड खिजर एट द थ्रोन आफ्टर ही सक्सेसफुल एक्सपीडिशन अगेंस्ट मेवाती कटिहार्स एंड गंगा टिक गंगेटिक दोआबिक एरिया, जो गंगा का दोआब एरिया था, मेवाती थे, उन सभी को हरा के ये क्या करता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ही वॉज किल्ड बाई नोबल्स इन हिज ओन कोर्ट, और इसकी मृत्यु कर दी जाती है नोबल्स के द्वारा ही उसके खुद के कोर्ट के अंदर ही, मुबारक शाह की। उसके बाद महमूद शाह बनता है 1434 से 1443, द नोबल्स पुट महमूद शाह ऑन द थ्रोन बट कुड नॉट सर्वाइव द इन फाइटिंग अमन नोबल्स इन द कोर्ट, ये मोहम्मद शाह को जो नोबल्स हैं उनके द्वारा ही बैठाया जाता है गद्दी के ऊपर, उसके बाद भी जो नोबल्स हैं उनके बीच की इन फाइटिंग, उनके बीच में जो फाइटिंग होती थी तो उसको ये नहीं रोक पाया किसी भी तरह से, इसने मैक्सिमम कोशिश की लेकिन फिर भी ये नहीं रोक पाया। ही वॉज अथोराइज टू रूल ओनली ए मेग्रे एरिया ऑफ अराउंड 30 मील, ये सिर्फ एक 30 मील का एरिया, जो दिल्ली के चारों तरफ का एरिया था 30 मील का, उसके ऊपर ही वो कर रहा था, रूल कर रहा था। द रेस्ट ऑफ द सल्तनत वाज रूल्ड बाय नोबल्स, बाकी सारी की सारी सल्तनत के अंदर जो भी एरिया आता था वो सारे सारे नोबल्स के द्वारा रूल किए जा रहे थे। इसके टाइम पर दिल्ली मतलब एक तरह से कई टुकड़ों के अंदर बट चुकी थी और इससे वो चीज़ कंट्रोल नहीं होती। उसके बाद आता है अलाम शाह, ये लास्ट रूलर होता है सैयद डायनेस्टी का,
डिसेंडेंट इन फेवर ऑफ बहलोल लोधी एंड रिटायर, ये अपना जो राज्य है वो बहलोल लोधी की फेवर में त्याग देता है और रिटायर हो जाता है। थस बिगेन द लोधी डायनेस्टी विच वॉज कन्फाइंड टू दिल्ली। तो ये इससे इसके बाद क्या डायनेस्टी शुरू होती है, लोधी डायनेस्टी शुरू होती है जो कहाँ कन्फाइंड थी, दिल्ली के ऊपर कन्फाइंड थी एंड फ्यू सराउंडिंग एरिया और आसपास के एरिया के ऊपर ही कन्फाइंड थी। बेलो लोधी है मतलब, तो कहीं कहीं किसी बुक के अंदर लिखा है कि इस बेलो लोधी ने इसको फोर्स किया था गद्दी छोड़ने के लिए। और किसी बुक में लिखा है कि आलाम शाह के जो फादर थे वो बेलो लोधी को अपना बेटा मानते थे, कि जो फादर थे वो बेलो लोधी को अपना बेटा मानते थे और ये कहता था कि भैया जितना हक मेरा इस गद्दी पर है उतना ही आपका है और आप आइए और इस गद्दी के ऊपर विराजमान हो जाइए। और जैसे ही बेलो लोधी मन बनाता है गद्दी बैठने का, यार बड़ी आसानी से वो गद्दी छोड़ देता है। तो ये जो सैयद डायनेस्टी है इससे किसी भी तरह के कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, मतलब एसएससी में तो नहीं पूछे गए हैं अभी। बाकी इसका ये मान के ये याद कर लेना, लास्ट रूलर कौन था और इसका फाउंडर कौन था, इससे बस ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई प्रश्न बनेगा तो इतना ही बन सकता है, या सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड पूछा जा सकता है ये मुबारक शाह का था शॉर्टेस्ट पीरियड इन सैयद डायनेस्टी या सैयद पीरियड के अंदर इसका होता है, बस ये इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। हाँ तुगलक डायनेस्टी के हर एक इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, फिरोज शाह तुगलक से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई होप ये सब आपको समझ आ गया होगा। तो बाकी अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लास्ट डायनेस्टी बचती है हमारी लोधी डायनेस्टी, और नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारी दिल्ली सल्तनत कंप्लीट होगी, उसके बाद हम मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।